गुड्स ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन? एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, ठीक है, रन करती है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम मान लेते हैं ना कि जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई में मान लेता हूँ यक्स मीटर है, ठीक है, यक्स मीटर में मान लिया। एक फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यहाँ जो है आपको गिवन क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, चलती है गाड़ी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 26 सेकंड में पार किया, तो 72 को जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, यानी कि आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल आ गई, राइट। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, चाल हो गई 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए, अब चूंकि जो रेलगाड़ी में लंबाई माना हूं यक्स मीटर है, अब यक्स मीटर तो अपनी लंबाई जो है वो क्रॉस करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म कितना है? 250 है, यह दोनों मिला के वह उसको क्रॉस करेगी, समय कितना लेगी? 26 सेकेंड। 26 सेकेंड, यह आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप इसे हल कर लीजिए, तो 26 दोनों कितना होता है? 52 होता है, 520 हो गया, इज इक्वल टू यक्स प्लस 250। 250, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई? 520 में से 250 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा? 0, 12 में से 5 के 7 हो गया, और यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2, 270, कितना हो गया? 270, 70 मीटर जो है, 270 मीटर यह जो है मालगाड़ी की लंबाई हुई। डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर।